काफ मसल्स स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है लोअर लेग की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। इससे इंजरी का रिस्क भी बहुत कम रहता है। इस एक्सरसाइज से लोअर बैक के सॉफ्ट टिश्यू भी स्ट्रेच होते हैं और आपकी पूरी लेग की स्ट्रेचिंग होती है, हैमस्ट्रिंग मसल्स की भी स्ट्रेचिंग होती है, जिससे आपकी लोअर बैक के जो जॉइंट्स है उसमें दर्द में आराम मिलता है। नी टू चेस्ट एक्सरसाइज, आपकी कमर और कुल्ले की मसल्स में खिंचाव आता है, जिससे लेग पेन और लोअर बैक पेन में भी काफ़ी आराम मिलता है। ग्लूटियल स्ट्रेच करने से आपकी मसल्स की जकड़न और दर्द में आराम मिलता है और जो आपकी कमर के निचले हिस्से में दर्द है, कुल्लों में जकड़न है, वो भी कम हो जाती है और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ट्रंक रोटेशन आपकी पीठ के निचले हिस्से में जकड़न को दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल है। यह है ज़्यादातर आपकी कमर और पेट की मांसपेशियों में भी काम करता है। ये वाली एक्सरसाइज भी काफ़ी स्ट्रेचिंग ग्लूट्स में और लोअर बैक में फील होती है। इस एक्सरसाइज से भी काफ़ी फायदे हैं। ये लोअर बैक की मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है। रीढ़ की हड्डी के लिए इरेक्टर स्पाइन मसल्स को मजबूती देने में ये काफ़ी फायदेमंद है। इन सभी एक्सरसाइज के आपको 10 रेपिटेशन करने हैं और 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है।